जो वाद्य यंत्र होते हैं ना वो बने हुए हैं इस पे, और बहुत अच्छी साड़ी है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला साड़ी का पूरा पैटर्न, और काफ़ी समय हो गया इस साड़ी को भी लिए मुझे, तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ ये ब्लैक साड़ी के साथ कुछ नया करके दिखाएं। तो आज का ब्लॉग है कुछ डिफरेंट, और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की साड़ी गोल्डन बॉर्डर के साथ में रेड ही दुपट्टा मैंने लिया है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाइएगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हैंकी के साथ में आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने हैंकी लिया है, और हैंकी को मैं करूँगी टक, तो हैंकी को मैं टक करूँगी और फिर अपना आज का रूटीन शुरू करूँगी। अब मैं शुरू करती हूँ अपना डेली रूटीन आज का। ये है तो आज लंच में मुझे क्या बनाना है वो देखती हूँ, और पहले थोड़ा सा हम कर देते हैं घर को व्यवस्थित, उसके बाद करते हैं खाने की तैयारी। चलिए सामान भी फैला है किराने का, और देखते हैं चलिए। तो यहाँ पर मैंने जला दी है लाइट, और किचन मेरा बेडरूम तो थोड़ा साफ दिख रहा है, कुछ नहीं फैला है। वहाँ पर मैंने रात को रेसिपी बनाई थी,
तो जो किराना है ना उसको जमा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर है ये बिग 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 मैगी का पैकेट और इकट्ठा है आ गया है, तो टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पर ये कपड़े सुखा देती हूँ मैं, क्योंकि कपड़े पड़े हैं। तो अभी बज रहा है मतलब 10:30-11 बज रहा है शायद, तो ये कपड़े पड़े हैं अभी तक, तो इनको सुखा देती, नहीं तो शाम तक पड़े रह जाएंगे, तो मशीन में सुखाऊंगी। तो यहाँ पर है कि अभी तक ही रहा है मेरा। तो मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन करा था कि कमेंट में लिखा था कि आपने क्या लाइव से अपना चैनल मोनेटाइज किया है। तो मैं बता देती हूँ कि लाइव मुझे 3 महीने लाइव करी है मैंने, तो 3 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। ये बात सही है कि लाइव से चैनल मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन कैसे होता है लाइव से चैनल मोनेटाइज? जब होता है जब आपको WT मिलता है। आप चाहे साल भर लाइव करते रहो और उससे WT नहीं मिलेगा आपको, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो लाइव से WT मिलता है, लाइव हम करते हैं तो हमको वॉच टाइम मिलता है, तो हमारा चैनल मोनो के लिए जाता है, रिव्यू के लिए जाता है। WT कंप्लीट होने के बाद रिव्यू के लिए जाता है, फिर चैनल मोनेटाइज होता है। और अगर आपके पास टाइम है, आप सुबह शाम रेगुलर वीडियो बना के डालते हो, आपके वीडियोस अच्छे चलते हैं और आपको वॉच टाइम अच्छा मिलता है, तो भी चैनल मोनेटाइज होता है। और भी ऐसे बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं और इस टॉपिक पे और वीडियो लेके आऊँगी, तो आपको बताऊँगी कैसे कम चैनल मोनो हुआ है, कितना टाइम लगता है, किससे से लाइव करना चाहिए, सब मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। और बस आज का तो जो मेरा ब्लॉग था वो हैंकिंग तक गिर गया, हैंकिंग तो ये हैंकी नीचे गिर गया था। और बस आज का जो मेरा ब्लॉग था वो था हैंकिंग तक और घर का काम करना। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ लौकी के कोफ्ते, तो चलिए लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और अब फटाफट में लौकी कोफ्ते की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं लौकी छील रही हूँ, और ये 1/2 kg लौकी थी जो मैंने ली थी, तो इसको मैं छील के और कद्दूकस कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको छील लिया है। तो लौकी कोफ्ते की सब्ज़ी आपको नहीं आती बनाना, तो आज मैं प्रॉपर बता रही हूँ किस तरह से बनाते हैं, और मेरे हाउ टू मेक चैनल पे भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने लौकी के गट्टे के रहते हैं ना जो, उसकी सब्ज़ी भी डाल रखी है। तो यहाँ मैंने लौकी को किसके और धो लिया था, और उसका पूरा पानी निकाल लिया है। तो यहाँ पर पूरा पानी अच्छे से निचोड़ लेना है इसका, ताकि जो कोफ्ते हैं ना वो अच्छे बने, नहीं तो कोफ्ते ढंग के नहीं बनते अगर पानी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया और गरम मसाला लिया है, और यहाँ पर दूध रखा था बॉयल होने के लिए, तो मैं दूध भी रख देती हूँ। तो थैलियाँ रखी थी मतलब, तो इनको मैं उबाल लेती हूँ दोनों को। और यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन, प्याज और 4-5 हरी मिर्ची को मिक्सर में ग्राइंड करके रख लिया था मसाला तैयार करने के लिए, तो उसमें से मैंने 2 चम्मच लिया है। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं ये 1.5 चम्मच के आसपास बेसन, तो 1/2 किलो लौकी में मैंने 1.5 चम्मच बेसन लिया है, और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसके मैं छोटे 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 गोले तोड़ लूँगी, मतलब कि इसके हम कोफ्ते बना लेंगे छोटे छोटे साइज़ के। तो ये देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ, बिल्कुल मतलब मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना के, और इसको लाइट गोल्डन मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, तो यहाँ पर कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे लाइट गोल्डन, उसके बाद इनको निकाल लेंगे हम। तो बस ध्यान रखना है कि फैले ना। और यहाँ पर भुट्टे सेक रही हूँ मैं, तो कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं देखिए। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने बेसन लिया था, बड़ा वाला साइज़ का जो चम्मच होता है ना वो, और यहाँ पर ये तेल गरम था, तो मैंने यहाँ डाल दिया अदरक, लहसुन, प्याज और 4-5 हरी मिर्ची जो मिक्सर में ग्राइंड करी थी उसको डाल दिया है, और अच्छे से थोड़ा सा भुनेंगे 2-3 मिनट। उसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी, तो मैंने ज़्यादा डार्क मतलब गोल्डन नहीं करा है लहसुन अदरक प्याज को,
क्योंकि मैं मसाले के साथ पकाती हूँ। अधिकतर कोफ्ते ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बिखरते भी नहीं हैं। तो ये देखिए मसाला तैयार हो चुका है, मतलब अदरक लहसुन प्याज भुन चुका है। तो यहाँ पर मैंने मसाला डाल दिया है और मसाला डाल के इसे मतलब अच्छे से जालीदार में भुनूंगी। मतलब जालीदार मतलब कि दाने दाने आ जाते हैं ना, जालियाँ पड़ जाती है मसाले में। नमक डाल दिया था और मसाला अच्छे से भून लिया मैंने। तो यहाँ पर मतलब भुन रहा है और यहाँ पर मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। तो आटा मैं रोटी के लिए तैयार कर रही हूँ, तो आटा सान लेती हूँ। और यहाँ मसाला अच्छे से भुन गया है तो मैंने डाल दिए हैं सारे कोफ्ते और पानी डाल दिया। जितना आपको ग्रेवी रखना है कोफ्ते में उतना रख सकते हो। दूसरी साइड चढ़ा दिया है मैंने गैस को और मैं बता रही हूँ मैंने हैंकी लटका रखा अभी भी। और यहाँ पर मैं चपाती बना लेती हूँ फटाफट, और क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। तो बस यहाँ पर कोफ्ते की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और इसको थोड़ा मैंने नॉनवेज स्टाइल में थोड़ा भुना है, जैसे अदरक लहसुन प्याज से भूनते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग आता है। अगर आप अदरक लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो राई जीरे से भी भून सकते हो। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन रही हैं और रोटियों में तो घी हम लोग को बिल्कुल मतलब बिना घी के तो रोटियाँ खाने में नहीं आती है, इसलिए घी तो लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं घी भी लगाती जा रही हूँ साथ साथ। और सब्ज़ी देखो अच्छे से हो गई है, और रोटी में अगर बनते बनते घी लगाओ ना तो वो क्या एक तरह से घी पक भी जाता है और गले वले भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर रोटी बना ली है मैंने, और ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है, दो दो तीन तीन रोटी ही खाएंगे क्योंकि नाश्ता हो जाता है सुबह मॉर्निंग में। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन गई हैं और यहाँ पर ये देखिए सब्ज़ी बन गई है। तो दिखने में इतनी टेस्टी लग रही है, देखिए कितनी टेस्टी लग रही है दिखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो ये कोफ्ते की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए, और हैंकी टक करके मैंने जो अपना रूटीन आपके साथ शेयर किया है वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।